उन्हें क्या करा। मेरा दोस्त यह है कि मैं मुंह पका दो अग बुलाइयो या ना बुलाइयो। राजा रुस्से नगरी ले तम रुस्सा अपना आश्रम ले। लेकिन हम अखिल भारतीय संत श्रोमणी गुरु रविदास मिशन के कारवाक अध्यक्ष हैं थे और जब तक समाज चाहेगा हमारा तब तक रहेंगे। विचाराधीन बात है, अगर कोर्ट उनकी बात एक्सेप्ट कर लेता है तो मेरे वाले तुम्बा बजाना भूल जाएंगे। जो कोर्ट में डिमांडेशन है, जिनके लिए हम रात दिन दौड़ रहे हैं, आप लोगों के लिए दौड़ रहे हैं, आप लोगों के लिए भाग रहे हैं, नहीं तो हम लोगों के लिए क्या है। हम लोग तो हैंड जॉबदारी है, करके खा सकते हैं, लेकिन जिस पे भगवा धरे गया, जिसने भगवा धारण कर लिया, किसका दी हड्डी करेगा। जिसका कोई मंच नहीं होता उसका कोई स्टैंड नहीं होता। अबे हमारे हिमांशु गौतम जी जो दलित एक्शन कमेटी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था कि आज धीरेन्द्र शास्त्री भी, प्रेमानंद भी सब रविदास महाराज को गा रहे हैं। क्यों गा रहे हैं? सरकार आज सागर में, सागर एक वो है जिला मध्य प्रदेश का, वहां रविदास जी महाराज का भव्य मंदिर बन रहा है, कुल 76 में बन रहा है। आपके मोहम्मद तुगलक बादशाह, मोहम्मद तुगलक ने जो तुगलकाबाद बसा था वहां पे सिकंदर लोदी ने महाराज रविदास से प्रभावित होकर जमीन डोनेट करी थी, जमीन दी थी रविदास महाराज को। हमारे सबके रहबर महाराज रविदास जी वे रहबर हैं कि देवी काली हो, हनुमान हो या 33 कोटि देवता में कोई भी हो, वो तीन देशों में पूजता है। कहाँ कहाँ? जहाँ बैठे हैं नेपाल, भारत में, नेपाल में और मॉरिशस में, तीन जगह हिंदू राष्ट्र देश है। बाकी 116 देशों में महाराज रविदास जिसका तुम सत्संग कर रहे हो, सुन रहे हो, इनकी जयंती मनाए जा तो ठोको ताली, क्योंकि आप लोग कंजूसी करते हो, अपने इतिहास को जानिए। हम लोग सभी सत्संगों में फिरते हैं, सभी सत्संग वाले मेरे वाले पीछे फिर है मेरे वालों के। क्यों फिरते हैं? क्योंकि तुम निष्ठावान हो, तुम सेवा करने के पीछे कुछ नहीं देखते, अपने आप को नौछावर कर देते हो। आप लोग वो चीज है कि जिस सरकार के पीछे पड़ जाओ ना, हाथ धो के बनो समझ, स्टेट में भी सेंटर में दोनों जगह मिले हो। तो हम लोग वे लोग हैं जो हमारे खूब, हम दो और हमारे 7-8 तो हैं, और वहां हम दो उनका एक, दूसरा जो हो कुत्ता हो उसकी ओट होती नहीं। तो इसलिए हम लोग वो चीज है, जहां भी खड़े हो जाते हैं वहां कारवा हो जाता है, जहां चल देते हैं सभाएं जल्लूस होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन हम उनसे कोई मतलब नहीं, हम अपना घर सुधारना है। ये आश्रम दिन दुगना रात चौगुना जितना काम करेगा, लेकिन हमें दुख की बात यह है, एक ही को तेरे घर के सामने मैं झोपड़ी गिरूंगा तो झोपड़ी महल की कर बनेगी। अब हमारे महात्माओं ने, हमारे आदमियों ने मेहनत करके पचेड़ों में बस इंगा नदी लग का दूसरा आश्रम, उल्ली तरफ दूसरा आश्रम, तो उसे सुधारा क्यों नहीं अगर कोई गड़बड़ है तो? अब ये हमारी संगत वहां जा तो इंगे तो दुश्मन, इंगा जा तो होंगे तो दुश्मन, कहां जाएगा? तो 1-2 किलोमीटर का अंतर तो होना चाहिए आश्रम में। और घर के लिए आश्रम होंगे, जब घर के लिए आश्रम होंगे तो बुज्जन को होना होगा। आप विचार करो उस बात पे। हम ये नहीं कहते कि आप आश्रम ना बनाओ, बनाओ खूब बनाओ, लेकिन रोना यू है रहा, दो सिक्खी बहनी, दो सिक्खी साखी, दो एक सिक्खा पद और हम हो गए सब।
जिस पर वैनी गैनी बढ़िया सी आएगी, लाल साफा गिरा, चुंडीदार दाढ़ी कड्ढी और फर्स्ट क्लास महाराज बन के दूसरे को कहेगा बंद की तो कर होगा भी ब्रह्मचरी ब्रह्मचरी हमें नहीं पता, हमें नहीं पता ब्रह्मचरी ब्रह्मचरी है, हमें तो ये पता तेरे तो बढ़िया है, तेरे ज्यादा चिल्ले मेरे। तो जहां जूनियर सीनियर की खत्म हो जाती है उसका पतन हो जा, नाराज हो गए क्या तो ठोक को ताली, अगर नु चुप हो जाओगे तो फिर नहीं अंगूरा दिया नहीं जाता तो बात भी नहीं चलती। बस मेरा दोष यो है कि मैं पीछा कर अम्मा ना पानी दियो, क्यों? क्योंकि अगर बात आप लोगों के अंदर परिवर्तन तो नहीं लाती, हमारे सीनियर बैठे हुए हमने पहले इन्हें जनाया आप लोगों को, यानी बैठे हुए बहुत देर के